सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्टडी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में जो सॉफ्टवेयर आप मेरे साथ डेवलप करेंगे वो है एक वेबसाइट ब्लॉकर, यानी कि जस्ट आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं उसको आप एंटर करेंगे और ब्लॉक बटन दबाएंगे और वो वेबसाइट आपके सिस्टम से ब्लॉक हो जाएगी। ये टूल हम क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो की हेल्प से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे विजुअल बेसिक। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख ही रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 में हमेशा की तरह यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, इसका अपग्रेडेड 2013, 16, 19 etc. सेम मेथड रहेगा, जस्ट आपको लैंग्वेज यूज करनी विजुअल बेसिक। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है विजुअल स्टूडियो और आप इसका फर्स्ट इंटरफेस देख सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यहां पर विजुअल बेसिक सिलेक्ट करना है। जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें ड्रॉप डाउन कुछ इंटरफेस अलग आ रहा है, लेकिन आपको लैंग्वेज विजुअल बेसिक सिलेक्ट करनी है। ओके, देन यहां से आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट रखना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे नीचे दे दीजिए, सपोज मैं देता हूँ वेबसाइट ब्लॉकर। ओके, लोकेशन सेट कर देते हैं, ब्राउज करते हैं यहाँ पर और डेस्कटॉप पर हम यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं वेबसाइट ब्लॉकर का। ओके, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर सॉल्यूशन नेम वेबसाइट ब्लॉकर आ गया है, जस्ट इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वर्किंग इंटरफेस वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम इस पर बना चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स आ रहे हैं आपके पास, ये टूल्स हैं जिनका आप यूज लेते हैं। बीच में आपके पास फॉर्म आ रहा है जिस पर आप टूल्स का यूज लेंगे, टूल ड्रॉ करेंगे। राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और साथ ही साथ जो भी टूल आप यूज लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्म पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए राइट हैंड साइड में फॉर्म की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। यहाँ पर अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं नेम। यहाँ पर टेक्स्ट में आप लिख दीजिए वेबसाइट ब्लॉकर B2D, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B2D टैग। ओके, बस फ्री अटैक। और अगर आपको आइकन लगाना है यहाँ पे तो आप आइकन भी लगा सकते हैं। सपोज मैं आइकन भी लगा देता हूँ, आइकन भी है मेरे पास डेस्कटॉप पर, मेरे पास आइकन है यहाँ पर ये इसको हम सेम फोल्डर में डाल देते हैं पहले। ओके, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट एक जगह से यूज होगा। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आइकन आ गया, आप देख सकते हैं ऊपर वेबसाइट ब्लॉकर का आइकन आ गया। ओके, देन नाउ अब यहाँ पर हमें जरूरत है एक टेक्स्ट बॉक्स की जिसमें हम वेबसाइट का URL लिखेंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देन नीचे हमें एक जरूरत है एक बटन की, ठीक है, इस बटन पे आप लिख सकते हैं चाहे तो ब्लॉक, ठीक है, आपको ब्लॉक करनी है वेबसाइट, स्पेलिंग गलत हो गई है BLOCK, ठीक है, ब्लॉक। और इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इसका साइज। यहां पर एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है फॉर्म की जिसमें आप इसका जो साइज है वो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन हमने इसका लॉक कर दिया है, ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेबल भी लगा सकते हैं जिससे कि यूजर को पता लग जाए कि करना क्या है यहाँ पे। और इस लेबल में हम लिख देंगे, लेबल के प्रॉपर्टीज में आएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप एंटर द वेबसाइट URL। ओके, एंटर द वेबसाइट URL हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको कंप्लीट कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट यहाँ पे आ रहा है, इस फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाने के बाद यहां पर आप चूज कर लीजिए फॉन्ट, ठीक है। सपोज मैं ये फ्रैंकलिन गॉथिक यहाँ पे चूज करता हूँ, हैवी एंड इटैलिक कर देता हूँ और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हम, और इस तरीके से एंटर द वेबसाइट URL आ रहा है, ठीक है। इसको हम इटैलिक हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, नॉर्मल ही रखते हैं। ओके, थोड़ा साइज और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, एंटर द वेबसाइट URL। और अगर आप चाहें तो बटन की भी पूरी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फॉन्ट सपोज मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए अपना, जो भी आप चाहते हैं आपका मनपसंद फॉन्ट।
सपोज ये यूज़ करता हूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं हम, ओके। और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं रेड, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। जस्ट इसमें आप वेबसाइट यूआरएल लिखेंगे और ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो गया है, इस तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। क्लिक करते हैं ब्लॉक बटन पे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बटन के अंदर आया है, हमें उससे पहले कुछ डिक्लेरेशन देने हैं क्योंकि हमें किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए सिस्टम की कुछ फाइल में चेंजेस करने होंगे। तो उसके लिए हम इम्पोर्ट सिस्टम डॉट आईओ, ठीक है, हम ये लिखेंगे सबसे ऊपर। देन इसके बाद पब्लिक क्लास फॉर्म वन में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल होंगे आपके डिम पाथ एज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज लेंगे। स्ट्रिंग में एक पाथ आ सकता है या फिर टेक्स्ट आ सकता है एक पर्टिकुलर लेंथ का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे डिम एस डब्ल्यू एस या फिर कुछ भी दे दीजिए, डिम एस डब्ल्यू एस स्ट्रीम राइटर। आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रीम राइटर क्या है। स्ट्रीम राइटर एक तरह की क्लास है जो कि टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज की जाती है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, जैसे सपोज हम यहाँ पर वेबसाइट जो यूआरएल है उसको ऐड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, पर्टिकुलर एक फाइल में। तो वो कैसे होगा, सब प्रोसेस वो देखिए। अब आप आ जाइए यहाँ पर बटन वन में, यहाँ पर आपने ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया, क्लास फॉर्म में आपने ये डिक्लेयर कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओके। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या टास्क परफॉर्म होगा। पाथ इज इक्वल टू, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं इसलिए हम यहाँ पे सी ड्राइव बेसिक मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सी ड्राइव का ये एड्रेस यूज लेंगे, सी कॉलोन स्लैश विंडोज, उसके बाद स्लैश सिस्टम 32, उसके बाद स्लैश देन ड्राइवर्स स्लैश ETC स्लैश होस्ट, ठीक है। ये URL आप यूज लेंगे, हम सी ड्राइव को यहाँ पर एक बेस मान के चल रहे हैं क्योंकि 99% सिस्टम में सी ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे यूज देंगे SW, जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन किया है। SW इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, ठीक है, ब्रैकेट में पाथ जो है उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इसके बाद आप यहां पर साइट ब्लॉक का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, साइट ब्लॉक डिम साइट ब्लॉक एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट डॉट न्यू लाइन, ठीक है, इसके बाद एंड परसेंट का साइन, देन यहां पर लिखेंगे आप 127.0.0.1 लोकल होस्ट सर्वर का हम एड्रेस यहां पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट सर्वर से हम उस वेबसाइट वेब यूआरएल को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो सर्वर से कनेक्ट नहीं होगी, ओके। तो यहां पर 127.0.0.1 उसके बाद एक स्पेस यहां पे जरूर दे देंगे और उसके बाद स्ट्रिंग क्लोज करेंगे, उसके बाद एंड परसेंट का साइन, और एंड परसेंट के साइन के बाद आप स्पेस देके लिखेंगे text1.txt, ठीक है। यहां पर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर एरर हमें शो कर रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हमने और इसका जो नेम है वही नेम है टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पर, ओके। तो आपको वही नेम यूज देना पड़ता है जो किसी एलिमेंट का नेम है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइड ब्लॉक को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे यूज किया और एनवायरमेंट में यानी कि इस फाइल में जो कि ये फाइल है इसमें हमने एक न्यू लाइन क्रिएट करी, साथ में यहाँ पर ये प्रिंट करवा रहे हैं हम लोकल होस्ट प्लस जो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो, ओके। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, sw.write साइड ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर ये sw ने यानी कि स्ट्रीम राइटर ने अपना काम कर दिया, टेक्स्ट में यहां पर लिख दिया और उसके बाद sw.close यहां पर हो जाएगा। अब सपोज हम इस टूल को क्रिएट करने के बाद, सेटअप फाइल क्रिएट करने के बाद अगर सपोज किसी और के सिस्टम में यूज करते हैं और उसके सिस्टम में विंडोज जो है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं है, किसी और ड्राइव में है, तब क्या होगा, तब हमारा ये सॉफ्टवेयर एरर दे जाएगा। तो एरर से बेटर है कि हम यहाँ पर एक मैसेज आउटपुट करवा देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज लेंगे जो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी उससे पहले यूज लेंगे ट्राई एंड कैच की यूज लेंगे, जिससे कि एक्सेप्शन यहाँ पे ले लेगा। आपने जो भी प्रोग्रामिंग लिखी है इसको आप कट करेंगे और ट्राई के बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और कैच के बीच में, और कैच एक्स एज एक्सेप्शन में आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज ले लेंगे, ठीक है। मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, मैसेज बॉक्स में आप अपना कस्टम मैसेज लिख सकते हैं, वेबसाइट ब्लॉकर विल नॉट वर्क इफ योर विंडोज इज ऑन
अदर देन सी ड्राइव, ठीक है। ये हमने एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस यहाँ पर प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। इस बार डायरेक्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आपको क्या करना है, बिल्ड मेन्यू में जाना है, ऊपर आपको बिल्ड मेन्यू मिलेगा। इसमें जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिश वेबसाइट ब्लॉकर B2D, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और पब्लिश आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, वेयर डू यू वॉन्ट टू पब्लिश द एप्लीकेशन। अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ पब्लिश लिखा रहा हो तो ब्राउज में जाके आप वो अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है अभी। नेक्स्ट करेंगे, देन आपके पास यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट रखना है, फ्रॉम अ सीडी रोम और डीवीडी रोम। नेक्स्ट करेंगे, सेम ऑप्शन सेलेक्ट रखना है, देन आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करेगी और डायरेक्ट ये आपका फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे setup.exe की एक फाइल आ गई है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, मिनिमाइज कर देते हैं और अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर को ओपन करने के बाद आप देखेंगे setup.exe यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको रन करने से पहले कि हमारी कौन कौन सी वेबसाइट्स वर्क कर रही हैं। सपोज youtube.com है, ठीक है, ओपन हो रही है। facebook.com है, ठीक है, दोनों ही वेबसाइट YouTube एंड Facebook दोनों ही ओपन हो रही है। हम इन्हीं दोनों को एग्जांपल के तौर पे ब्लॉक करके आपको बताएंगे इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो ये हमारा फोल्डर रहा। इस setup.exe को राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप रन करेंगे, यस करेंगे। यस करने पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और डायरेक्ट रन होगी आपके सिस्टम में। लॉन्चिंग एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में ये डेस्कटॉप पर डायरेक्ट रन होगी ये एप्लीकेशन इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास आपका फॉर्म रन होकर आ गया, ठीक है। चलिए वेबसाइट का URL एंटर करते हैं और चेक करते हैं कौन कौन सी वेबसाइट हम ब्लॉक कर सकते हैं। www.facebook.com ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ब्लॉक हुआ है नहीं हुआ है? हम इसको क्लोज करते हैं एक बार और अपना प्रोग्रामिंग वाला जो कोड विंडो है वापस से ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं। जब हमारा यहाँ पर ब्लॉक वाला सिस्टम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स और लिख देते हैं एक, जिससे आपको ये पता लग जाए कि जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो गई है। मैसेज बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे वेबसाइट ब्लॉक, ठीक है, कॉमा देंगे, VB इंफॉर्मेशन टाइप का ये आपका बॉक्स होगा, ओके। ये आपने एक मैसेज बॉक्स और ऐड कर दिया, ठीक है। वापस से हम इसको बिल्ड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और सेम लोकेशन पे कर देते हैं, तो कोई ज्यादा ब्लंडर नहीं है इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक आउटपुट मिल जाएगा जब आप वेबसाइट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, तो एक अगर ब्लॉक हो गई है तो मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो गई है, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं इसको, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ठीक है, रन होके आ गया है। इस बार चेक करते हैं www.facebook.com ब्लॉक, इस तरीके से हमारे पास, हम ये चाह रहे थे कि इस तरीके से मैसेज आ जाए, तो इस बार मैसेज आ गया है, ठीक है, वेबसाइट ब्लॉक्ड, ओके। देन इस बार www.youtube.com ब्लॉक, ब्लॉक्ड, ठीक है। www.google.com ब्लॉक, ब्लॉक्ड। सभी वेबसाइट जो हमने यहाँ पे लिखी है वो ब्लॉक हो गई हैं। टेस्ट कर लेते हैं कैसे पता चलेगा हुई है नहीं है। सबसे पहले तो जो लिंक हमारे ओपन है उनको हम क्लोज कर देते हैं। एक बार ब्राउजर की जो कैशेज हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं, ब्राउजिंग डाटा और यहाँ पे कुकीज एंड अदर साइट डेटा हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपने ब्राउजर को क्लोज कर लेते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी हमने तीनों वेबसाइट ब्लॉक करी है वो ओपन हो रही है नहीं हो रही है। www.google.com नहीं हो रही, facebook.com नहीं हो रही, youtube.com, ठीक है। सभी में आपके पास एक एरर आ रहा है, द साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है। दैट मीन कि आपके सिस्टम से वेबसाइट ब्लॉक हो गई है, ठीक है। आप अब ये भी जरूर चाहेंगे कि किस तरीके से इसको अनब्लॉक करें, तो मैंने एक वीडियो आपको बताया था यहाँ पे किस तरीके से बिना किसी एप्लीकेशन के आप वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट को वापस से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने आप एक एप्लीकेशन डेवलप करी वेबसाइट ब्लॉक करने की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट
करके जरूर बताएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, HTML, JavaScript, Python, काफी कुछ आने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शेयर करते रहिए वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स तक और अपने सभी दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस्टुडी टेक। धन्यवाद।